दोस्तों, अगर आप कॉपीराइट फ्री कंटेंट अपनी वीडियोस में यूज़ करते हो, अपनी वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कुछ अलग दिखाने के लिए कॉपीराइट फ्री की वीडियोस, म्यूज़िक टेम्पलेट्स वगैरह कुछ भी यूज़ करते हो, और कॉपीराइट फ्री होने के बाद भी आपके चैनल पे कॉपीराइट आ जाता है, तो आप क्या करोगे? तो आपको ये लगेगा, यार मैंने तो कॉपीराइट फ्री साइट से ये चीज़ डाउनलोड की थी और अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ की थी, फिर भी मेरी वीडियोज़ के अंदर क्यों कॉपीराइट आया? तो गाइज, इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंटेंट हमें यूज़ नहीं करना चाहिए हमारी वीडियो के अंदर, से वो कॉपीराइट फ्री साइट पे क्यों ना अवेलेबल हो। गाइज, मेरा नाम होशियार जानी, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट फ्री साइट के बारे में, जिसका नाम है मिक्सकिट, जिसको मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ अपनी वीडियो के कंटेंट के लिए, कोई भी वीडियो या स्टॉक म्यूजिक के लिए। तो गाइस, इस वीडियो की बात करेंगे। तो जैसे मैं इसमें मिक्सकिट सर्च करता हूँ, जैसे ही हमने ये सर्च किया गाइस, तो यहाँ पे काफ़ी आपको वीडियोस एंड ऑडियो टेम्पलेट्स वगैरह काफ़ी अवेलेबल है। और जो सबसे अच्छी बात इस साइट की वो ये है कि यहाँ पे हमें साइन इन नहीं करना पड़ता और हम इजीली कोई भी वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हम ये वीडियो प्ले करके भी देख सकते हैं और डायरेक्ट इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंपल ये ऑप्शन मिल जाते हैं, वीडियो, म्यूज़िक और साउंड इफेक्ट टेम्पलेट्स वगैरह। तो गाइस, जो यहाँ पे देखने वाली बात होती है वो क्या होती है कि जैसे ही हम ये साइट ओपन करते हैं, तो गाइस यहाँ पे अगर हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो जो ये वीडियोज़ है, इनको अगर आप इनका लाइसेंस चेक करोगे यहाँ पर, तो गाइस ये देखिए, फ्री डाउनलोड 720 पिक्सल वर्जन फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, कि इसको हम पर्सनल यूज़ कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, या हमें कोई अपनी पर्सनल वीडियो बनानी है उसके लिए हम इसको यूट्यूब वगैरह इन सब के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने ये यूज़ किया तो हमें कॉपीराइट का इशू आ सकता है। अगर गाइस सिंपल वीडियोज़ की बात करेंगे यहाँ पर, तो जैसे मैं वीडियो गाइस, इस वीडियो के लाइसेंस की हम बात करें तो कैसे चेक करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है नीचे स्लाइड करेंगे तब, डाउनलोड 1080 पिक्सल HD वर्जन, डाउनलोड दिस फ्री स्टॉक वीडियो क्लिप फॉर कॉमर्शियल एंड पर्सनल यूज़ अंडर द मिक्सकिट स्टॉक वीडियो फ्री लाइसेंस। तो गाइस, इस वीडियो में साफ मेंशन है कि इसको हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें YouTube पे हमारी वीडियो क्रिएट करनी है, उसके लिए हम कुछ सीन्स दिखाने हैं, तो हम इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट का इशू नहीं आएगा। बट गाइस, अगर न्यू के सेक्शन पे क्लिक करते हैं, या काफ़ी वीडियोज़ इसके अंदर ऐसी होती है जिनके अंदर कॉमर्शियल यूज़ के लिए अलाउ नहीं होता, ओनली पर्सनल यूज़ के लिए अलाउ होता है। जैसे मैं ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, तो इसका लाइसेंस देखोगे आप, तो अगर इसको 720 पिक्सल में हम डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड दिस फ्री स्टॉक वीडियो क्लिप फॉर पर्सनल यूज़ ओनली, ये मेंशन है गाइस, तो हम इस वीडियो को यूज़ नहीं कर सकते। अगर इसको यूज़ करेंगे तो हमारी वीडियो के अंदर कॉपीराइट का इशू आ सकता है। तो गाइस, ऐसे हमें चेक करना है कि कौन सी वीडियो हमें कॉपीराइट फ्री साइट से यूज़ करनी चाहिए, कौन सी नहीं यूज़ करनी चाहिए। हमें पहले लाइसेंस देखना चाहिए वीडियो का, तो हम कॉपीराइट से बच सकते हैं। तो गाइज, इस तरह से हम किसी भी वीडियो या म्यूज़िक का लाइसेंस देख के ये पता लगा सकते हैं कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अंदर या नहीं यूज़ कर सकते। तो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो, मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद जय भारत।